हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे पुराने शॉल का सही इस्तेमाल। ये हमारा पुराना शॉल है, इससे बनाएंगे हम अपने लिए कुर्ती। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कमेंट आया है कि कुर्ती की साइड से स्लिप्स कैसे निकालें। कुर्ती के साइड से स्लिप आराम से निकल आती हैं, लेकिन ये हमें अपना कपड़ा देखना होता है कि कपड़ा हमारा प्रिंटेड है कि ये कपड़ा हमारा प्लेन है। अगर प्रिंटेड और प्लेन है तो उसको आप अलग तरीके से काटेंगे, और अगर इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, सेंटर में डिज़ाइन है, तो फिर हमें फोर फोल्ड करके कपड़े को इस तरीके से सेंटर से फोर फोल्ड करके और फिर कटिंग करनी होगी। अगर सेंटर में डिज़ाइन है तो हम इस तरीके से फोर फोल्ड करेंगे सेंटर से कपड़े को, और फिर कुर्ती की मार्किंग करेंगे और यहाँ साइड से हमारी स्लिप निकल आएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है और ऑल ओवर प्रिंटेड कपड़ा है तो आप इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे लंबाई में, और फिर उसके बाद यहाँ से जितना आपको दामन लेना है, दामन अगर आपको लेना है 10 इंच का तो 1 इंच यहाँ पर फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा, तो इस तरीके से 11 इंच लेकर के और आप पूरा कपड़ा 11 इंच पर रख करके और मार्किंग करेंगे कुर्ती की, और ये कपड़ा जो हमारा बचेगा ये पूरा कपड़ा आ जाएगा हमारा स्लिप में। ये 15 इंच की जो है हमारी स्लिप निकल आएगी। ये तब निकलेगा जब कपड़ा पूरा ऑल ओवर प्रिंटेड होगा या प्लेन होगा, तब आप इस तरीके से रख के कटिंग करेंगे। लेकिन इस शॉल में जो है पूरा सेंटर में डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन हमारी कुर्ती पर आएगी, तो इसके लिए हम इसको इस तरीके से फोर फोल्ड करेंगे। देखिए, हमने कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है और हमारी डिज़ाइन जो है बीच में है, इसलिए हमने इसको पूरा सेंटर से आधा कर यहाँ से नापेंगे, और इसकी जो भी लेंथ है अगर ज़्यादा हो तो कम कर लें। यहाँ पर पूरा टोटल 40 इंच का आ रहा है, तो इसको हम 40 इंच रखेंगे। अब यहाँ से 38 चेस्ट साइज के लिए बना रहे हैं, तो 7 इंच पर लगाएंगे हम आर्म होल का निशान, 14.5 पर लगाएंगे कमर का निशान, और 21 इंच पर लगाएंगे हिप का निशान। तीरा जो निकालते हैं, अगर आपने तीरा बॉडी से मेजर करके निकाला है तो उसमें 2 माइनस करते हैं। यहाँ पर मैंने निकाला है बॉडी से मेजर करके 14.5, तो 14.5 में 2 माइनस करेंगे तो होगा 12.5, और 12.5 का हम हाफ बना लेंगे, तो 12.5 का हाफ जो होता है इस तरीके से, जिसको नहीं आता वो इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करके निकाले, तो ये आएगा 6.25। तो 6.25 लगाएंगे हम। तीरा लगाते हैं बैक गले के अकॉर्डिंग, तो बैक गला यहाँ हम लेंगे 5 इंच का, इसीलिए तीरा पूरा जो हमने मेजर किया था और उसमें से जो माइनस किया था वो यहाँ पर 6.25 आया है, वो लगा लिया। अगर आपका गला जैसे जैसे गहरा हो तो इस तीरे को 1/4 पार्ट जो है कम कर देते हैं। मैंने एक वीडियो और आपके साथ शेयर किया है नायरा कुर्ती का, उसमें मैंने तीरे की जो प्रॉब्लम होती है वो पूरी बताई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर 6.25 इंच पर मैं तीरा लगाया है और 7 इंच पर आर्म होल लगाया है। ये है हमारा 38 चेस्ट साइज के लिए, जब हम ले रहे हैं 5 इंच का गला, ठीक, तब हमने 6.25 इंच तीरा लिया। अब यहाँ पर जो फ्रंट है वो रखेंगे हम 6 इंच का, यहाँ से फ्रंट को ऊपर तक मिला लिया, 0.5 इंच ऊपर से डाउन किया जाता है, ये डाउन का निशान लगा लेंगे। गला जितना भी आप चौड़ा पहनना चाहें, बाकी चेस्ट का 12वां भाग अगर आप निकालना चाहें तो चेस्ट 38 को 12 से भाग करने पर जो भी आएगा वो आप लगा लें। बाकी यहाँ पर 2.5 इंच का हम गला लेंगे चौड़ाई का, 38 का 4/4 भाग लगाएंगे, ये होगा हमारे पास 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारा फ्रंट का है, फ्रंट की गोलाई दे देंगे। अब बैक पल्ला जो है उठाकर काटा जाता है, तो यहाँ से हम 1 इंच उठा लेंगे और इसको यहाँ पर मिलाकर इसकी गोलाई दे देंगे। अब लगाएंगे हम कमर का नाप, तो जो भी हमारा चेस्ट का नाप होता है उससे 1 इंच हम कम लेते हैं, 9.5 हमने यहाँ पर लिया था, 38 का 4/4 भाग, 9.5,
तो यहाँ पर लगाएंगे हम 8.5 पर। बाकी अगर आप फिटिंग का पहनते हैं तो जो भी आपकी कमर की फिटिंग हो उसमें 2 इंच की लूजिंग देकर और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन दे देंगे। हिप साइज है 44, तो 44 का चौथाई भाग 11, यहाँ पर 11 पे मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच यहाँ पर फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। इस तरीके से सेफ पट्टी की हेल्प से आप गुलाई दे दें, नहीं है तो इंची टेप की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 11 इंच लगाया है तो 11 इंच हम यहाँ लगा लेंगे और 1 इंच फोल्ड का तो 12 इंच टोटल। इसकी हेल्प से सीधा कर ले कपड़े को। देखिए मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो इतना कपड़ा बचा है ये यहाँ से बंद वाला हिस्सा है, तो आप यहाँ से स्लिप्स कट कर सकते हैं। ये यहाँ से आ रहा है 7.5 और यहाँ से हम 3 इंच प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.5। तो 10.5 की जो है आस्तीन आप आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो यहाँ से आर्म होल का निशान लगेगा वो लगेगा 3 इंच अंदर की तरफ, तो ये 7.5 हो जाएगा। यहाँ से हम गोलाई देंगे इस तरीके से और ये देखिए हमारी स्लिप्स कट जाएगी यहाँ से जो भी आर्म होल का निशान होगा उसकी गहराई दे देंगे 7.5 यहाँ तक, यहाँ से गोलाई देंगे हम। यहाँ से अगर आप बंद तरफ से आस्तीन निकालेंगे तो हमारे पास 10.5 इंच की आस्तीन आराम से निकल सकती है। और अगर आप जॉइंट लगाना चाहेंगे तो ये जो हमारा कपड़ा बचा है वो हम यहाँ जॉइंट लगा लेंगे तो पूरी 14 इंच की स्लिप हमारी तैयार हो जाएगी 3/4 साइज की। इस तरीके से एक पल्ला अलग कर ले, ऐसे रखेंगे कपड़े को। ये देखिए लंबाई हमारे पास आ रही थी 10.5 इंच की। आर्म होल का निशान लगाएंगे सबसे पहले, तो आर्म होल लगाएंगे हम 7.5 इंच पर। इसके बाद 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए यहाँ रखेंगे 7.5 इंच, 7.5 इंच यहाँ है और 3 इंच हमें अंदर की तरफ लेना होता है तो 7.5 है, तो 10.5 जो है हमारा यहाँ ऊपर आ जाएगा लंबाई स्लीव्स की, तो ये हो जाएगा 10.5। यहाँ से हम गोलाई देंगे 2.25 इंच पर जो है हम निशान लगाएंगे और 1 निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। जो 2.25 पर निशान लगाया है इससे हम बैक पल्ले की गोलाई देंगे और जो हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया है इससे हम फ्रंट पल्ले की गोलाई देंगे। तो इस तरीके से जो स्लिप है वो आ रही है 10.5 इंच की। सिलने के बाद देखिए यहाँ से तो बॉर्डर बना है तो यहाँ से तो हमारा सिलाई में जाएगा नहीं, ये 10 इंच की स्लिप जो है तैयार हो जाएगी। अगर आप इतना पहनना चाहते हैं तो यहाँ से मोहरी की मार्किंग कर लें 5, 5.5 जो भी है और मार्जिन ले लें 2 इंच का और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ जॉइंट लगाना है, हम 3/4 साइज की जो है स्लिप तैयार करेंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है, ये कपड़ा लेंगे, ये हमारी किनार बनी हुई है तो यहाँ से हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी जो लंबाई है ये 5.5 इंच की पूरी डिजाइन जो है हम काट के इसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने कपड़ा कट किया, अब ये देखिए ये हम इसके ऊपर रख कर और इस तरीके से सिल लेंगे तो हमारी जो 3/4 साइज की स्लिप है वो तैयार हो जाएगी। देखिए इसकी लंबाई जो आएगी वो आएगी 15.5, यहाँ से 0.5 इंच सिल जाएगा तो ये तैयार 15 इंच की आ जाएगी। यहाँ से हम मोहरी की मार्किंग कर लेंगे तो 5.5 इंच जो है हम निशान लगाएंगे फिटिंग का और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का और यहाँ से इसको मिलाकर कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी सिंगल स्लिप है और ये हमारे देखिए 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है तो ये हमारी दोनों स्लिप के लिए कपड़ा कट गया है, हम ये दोनों स्लिप में लगा लेंगे और इसको रखकर हम अपनी दूसरी स्लिप की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले कुर्ती में गला बनाया जाता है तो ये हमारा फ्रंट पल्ला है, फ्रंट कुर्ती का मुड्ढा हमने छांट लिया है,
और गले की कटिंग हमने नहीं की थी। इंच ये आधा इंच जो हमने डाउन किया था इसको भी कट कर लिया, लेकिन गले की कटिंग नहीं की थी। तो इसमें हम बनाएंगे वी गला। तो वी गले के लिए 2.5 इंच की हमने चौड़ाई ली है ये, और पट्टी जितनी हमें रखना है उसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम 1.25 इंच की पट्टी, तो इसके लिए मार्किंग कर लेंगे। और ये 2.5 इंच हमारा गले की चौड़ाई है। गहराई आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप पहनते हैं, यहाँ पर मैं 7 इंच का निशान लगा रही हूँ, ये लगा लेंगे। और ये इस तरीके से जब आप नापेंगे तो ये देखिए 7.5 तक आ रहा है। इसको पहले सीधा मिला लेंगे, ये लगाने के बाद जैसे हमने 1.25 इंच का निशान यहाँ पर लगाया है, ऐसे ही हम 1.25 इंच का निशान नीचे तक लगाएंगे जहाँ तक हमारा गला है। जो 7 इंच पर गहराई लगाई है इस पॉइंट से भी हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। पहले इस निशान को मिलाएंगे जो निशान हमने 1.25 इंच पर लगाए हैं, और ये जहाँ तक आ रहा है इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मिला लिया और ये हमने निशान लगाया था, इसको सीधा कर देंगे। जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है उससे उठाकर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लगा लिया निशान। लगाने के बाद यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से भी उठाकर कट करेंगे। इस तरीके से हमने गला तैयार कर लिया। अब जो पट्टी हमें चाहिए है वो इसका नाप ले लेंगे। इस तरीके से हम नाप लेंगे और जो भी हमारी गहराई है गले की उससे 3 इंच एक्स्ट्रा तक जो है कपड़ा ले लेंगे। तो ये हमने नाप ले लिया, ये 9 इंच आ रहा है, तो 12 इंच तक की जो है हम सीधी पट्टी कट कर लेंगे। इस तरीके से 4 इंच की चौड़ाई की पट्टी कट कर ली है, और डबल फोल्ड में इसकी जो लेंथ है ये 12.5 इंच की है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये वाला हिस्सा हम रखेंगे ऐसा, और ये वाला हिस्सा रखेंगे इस तरीके से। एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए लगाएंगे। 1.25 इंच पर हमें चाहिए है, जो 1.25 इंच की मार्किंग करी है उस पर इस तरीके से रखकर और सिलाई लगाएंगे। यहां तक सिलाई करने के बाद अब जो दूसरी पट्टी है उसको लेंगे इस तरीके से, और ये देखिए इस पर भी 1.25 इंच पर निशान लगे हुए हैं, और इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से नाप लेंगे कि छोटा ना पड़े हमारा। देखिए गला हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अच्छे से सीधे हम मिला लें और इसको कट कर दें। यहाँ से भी एक्स्ट्रा है, अब इस पर हम अपना बैक पल्ला अटैच करेंगे। इस तरीके से बैक पल्ले पर हमने पट्टी लगा ली है, अब इसको इसके साथ सिलेंगे। ये जो सिलाई है यहाँ से इस पट्टी को ऐसे रखेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे। जो शोल्डर हमने ज्वाइंट करे हैं तो ये जो सिलाई आई इसका कपड़ा हम नीचे रखेंगे और इसका कपड़ा इस तरीके से ऊपर रखेंगे। ऐसा करने से ये देखिए ये फिनिशिंग रहती है, यहाँ से हमारी जो फ्रंट की जो पट्टी है ये अच्छे से बंद हो गई है, और हमारा जो गले का यहाँ पर ये वाला हिस्सा है ये देखिए इसमें फिनिशिंग रहेगी। तो इस तरीके से हम इसको बंद करके और इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर स्लिप्स अटैच करनी है। देखिए हमने ये अपनी स्लिप ले ली है,
और ये हमने जो ज्वाइंट का कपड़ा कट किया था अलग से, इसको ज्वाइंट लगा लिया है। तो ये हमारी 15 इंच की आस्तीन तैयार हो गई है। इसका फ्रंट हमने नहीं छांटा था, तो जो हमने 1.25 इंच का ऊपर से निशान लगाया था इस तरीके से डबल फोल्ड में, इस तरीके से जो डबल फोल्ड में हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से देखिए हमने अपना फ्रंट भी छाट लिया है। अब हम इसको अटैच कर देंगे अपनी कुर्ती पर। ये देखिए कुर्ती को हमने सिलकर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।